पाकिस्तान की मेज़बानी में ओआईसी वज़रा खारजा कौंसिल का 48वां इजलास जारी है, जिसमें फलस्तीन और कश्मीर में मुजालिम की मजम्मत की गई। अरे कल आप हंस गया मुंह में नहीं। जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो तकरीर की है ओआईसी में, ओआईसी इज अ फेल इंस्टीट्यूशन, इज अ फेल ऑर्गेनाइजेशन। मैं जानता हूँ। एक तो बड़ा अहम सवाल ये कि उन्होंने कश्मीर के मौजू पर तो ठोक बजा के बात की, आप जानते हैं कश्मीर और फलस्तीन पे वो कुछ नहीं कर सके, और वहाँ पर बाहर से लाकर लोगों को जो है वहाँ पर बसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है उन्होंने कश्मीर फाइल्स की जो मूवी आई है, वजीर आजम ने ये जो बात की, मुझे लगता है कि ये उसकी वजह से उन्होंने वो वाली बात उठाई है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि वजीर आजम कश्मीर की, पैलेस्टीनियंस की और यमन के जो वहाँ पर मुसलमान हैं उनकी भी बात कर रहे हैं ओआईसी में, लेकिन उन्होंने किसकी बात नहीं की, इस्लामोफोबिया की बात करके जो चाइना के वीगर मुस्लिम्स हैं उनकी बात नहीं की। क्यों? उन्होंने कश्मीर पर भी बात की, उन्होंने पैलेस्टीन पर भी बात की, लेकिन उन्होंने वीगर मुस्लिम्स की बात नहीं की। तो उनको बुला के पाकिस्तान में ये शहनशाह अकबर ने गुर्बत का मजाक क्यों उड़ाया अपने पाकिस्तान का, जहाँ पे दो वक्त के खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। बड़े ही अफसोस की बात है। सिर्फ आप सऊदी अरेबिया जो कि हेड ऑफ ओआईसी है उनकी तनकीद ही कर रहे हैं ना आपके, आप लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप इनके पास पैसे लेने चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब ने भी वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बात बोली है कि जी अब करारदादों से बढ़कर कुछ करना होगा, यानी अमली इक़दामात पे तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल सही उन्होंने बात की, आप भी ये बात अभी कर रहे थे। तो ये जो अमली इक़दामात हैं ये हो क्या सकते हैं, क्या अमली इक़दामात किए जाएं? उनकी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं जी वो देखिए हमारा पड़ोसी भारत है, हिंदुस्तान है, वो बैलेंस करता है, और यार वो पैसे मांगता है हर जगह जाके। नहीं, आपको अभी डॉलर दिखाए, आपको डॉलर नजर आते हो नेपाल से, तो आप अभी नेपाल चले जाएंगे। मेरा मकसद आप भारत की मिसालें देने से पहले आप देखो तो सही कि आप कहां खड़े हो। वो करप्शन पे 85 नंबर पे, इतना बड़ा मुल्क आपके साइज से 10 गुना, और आप 140 पर हैं। मैं हैरान हूं के जिस तरह वजीर खारजा कह रहे हैं वो उसी सूरत में मुमकिन है कि एक तो ये कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी रखें, जो रेजोल्यूशन पास करते हैं उसका भी एक काफी प्रेशर पड़ता है। अब जैसे कश्मीर के बारे में आज बड़े ही दो टोक अल्फाज में बहुत सारी गुफ्तगू हुई, तो वो उसका प्रेशर यकीनन इंडिया पे पड़ेगा। वो प्रेशर इम्प्लीमेंटिंग पार्ट तो उसका नहीं है, लेकिन मॉरल प्रेशर एक पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। वजीर खारजा के जहन में जरूर कोई बात होगी, और मैं कोई भी शख्स वो यही तजवीज़ देगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ये इजाजत देता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी फौज भी कर सकते हैं। मुझे तो एक वक्त में बड़ी खुशी हुई कि जब ट्रंप ने ये कहा कि जी इस्लामिक फोर्स होनी चाहिए और वो नेटो की तौर पर उसको तर्ज पर काम करना चाहिए, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है कि हमारे पास भी एक इम्प्लीमेंटिंग टूल आ गया। लेकिन वो ट्रंप मोहतरम ट्रंप साहब जो है वो हमारे 54 इस्लामिक ममालिक के सरबराहान की सरबराही करके वापस चले गए, और हमारे सरबराहान ने उस चीज को भी इतनी फौकियत नहीं दी कि वो ओआईसी उसको एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया यमन के लिए। लेकिन ये है कि अगर ऐसा हो जाए जिस तरह वजीर खारजा फरमा रहे हैं, तो यकीनन फिर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ उससे चेजा, उससे अगर ये 57 ममालिक एक साथ रेजोल्यूशन मूव करें तो जनरल असेंबली को ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी काउंसिल को रेफर करना पड़ेगा, और चैप्टर 7 जब तक कि उसको वीटो ना हो जाए, चैप्टर 7 के जरिए आप प्रेशराइज कर सकते हैं, कुछ और नहीं तो सैंक्शन लगा दें 57 कंट्रीज की, हम तजारत नहीं करते। लेकिन उधर इमरान खान के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, ओपोजिशन जमातें इमरान खान को फारिग करने को तैयार बैठी है, और आज वो जो 57 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे उनको सामने बिठा के इमरान खान ने कहा है कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप डिलीवर नहीं कर चुके, मगरब आप पे मजाक उड़ाता है और आपको कुछ करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब क्या वाकई लीडर बन चुके हैं, क्या वाकई मुस्लिम उम्मा नाकाम हुई है और इमरान खान को भेजा जा रहा है? बिकॉज जो पीटीआई के लोग या बाकी जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि इमरान खान मुस्लिम उम्मा का लीडर है और अमेरिका से हमने पंगा ले लिया, इसलिए। वो सच्ची बातों से काम नहीं चलता, सच्ची बातों से आप
आइसोलेट हो जाते हैं, सच्ची बातों से आप एलिनेट हो जाते हैं, सच्ची बातों पे आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, और जो मुश्किलात आती हैं वो आप जो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं उनके ऊपर नहीं आती, गरीब आवाम के ऊपर आती है। गरीब आपको वो आवाम को भुगतना पड़ता है जो आप कहते हैं, आप जिस किस्म अगर तो इस किस्म की पॉपुलिज्म जो है ये अगर तो आप अमीर मुल्क हों, पावरफुल मुल्क हों, तो फिर आप इस किस्म की बात अफोर्ड कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। मगर आप जो हमारी सिचुएशन में हैं, एक तरफ आप सऊदी अरेबिया जो कि हेड ऑफ़ OIC है उनकी तनकीद ही कर रहे हैं ना आपके, आप लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर आप इनके पास पैसे लेने चले जाते हैं, भीख मांगने चले जाते हैं, तो फिर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती नहीं हैं। तो फैसला ये कर लें कि आपने असूलों के ऊपर खड़ा होना है, फुल सपोर्ट, आवाम आपके साथ है, तो फिर मेहरबानी करके आवाम के लिए कुछ रोटी पानी का भी इंतज़ाम कर लें। आपका अपना रोटी पानी तो पक्का है ना, आपके तो इतनी अमीर लोग हैं आप, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कल को बैंक्रप्सी होती है इस मुल्क की, तो आपके तो पहले ही कुछ पैसे बाहर पड़े हुए हैं, कुछ ले गए हैं, कुछ इधर हैं, पता नहीं कितने महल हैं, कितने घर हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको तो टमाटर की कीमत का भी नहीं पता। तो ये असूल जो है ये सिर्फ गरीबों के लिए असूल होते हैं, अमीर जो हैं ये सिर्फ असूल की बात करते हैं, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होती इन असूल। जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ममालिक के अपने अपने जो बायलेटरल इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं। यहाँ एक बात और भी मुस्लिम ममालिक को हमें समझना चाहिए कि जो हमारे कलीदी ममालिक हैं OIC में, सऊदी अरब हो गया, बाकी कलीदी ममालिक गल्फ कंट्रीज के हैं, तो वो उनके अथॉरिटेरियन हुकूमत होने की वजह से उनके जाती मफादात भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो जबकि पैलेस्टीनियन का फलस्तीन का जो मसला है, OIC का चार्टर जब लिखा गया ये चार्टर, तो उसका आर्टिकल 1 उसका जो सब सेक्शन 8 है उसमें फलस्तीन को बड़े वाजे अल्फाज में कि फलस्तीन की किस तरह मदद की जाएगी और उस काज को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप देख लें वो काज अब और जमील साहब जो आप बात कर रहे हैं इसी तरफ वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में इशारा किया है कि सबके अपने अपने जो जाती मफादात हैं उन की वजह से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका है OIC। अगर आप अपने लोगों का एतमाद खो चुके हैं तो आप किस मुंह के साथ OIC में खड़े होके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉरल कोई उसकी कोई उसकी वजह नहीं बनता। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मैंने देखा है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप पर फाइल कर दिया जाता है तो सदूर अपने फॉरन दौरे कैंसिल कर देते हैं, अहम डिसीजन लेने बंद कर देते हैं, क्योंकि वजह ये होती है उसकी कोई वक्त नहीं। अब मुझे मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा कि 57 मुल्कों के वुज़राए खारजा वो कितनी तवज्जो दे रहे होंगे इनकी स्पीच को, जब पता हो कि ये घंटों के हिसाब से ये मेहमान है, उसका जवाब नहीं था। फिर आपने खुद इसमें फरमाया कि उन्होंने कहा कि OIC इज अ फेल इंस्टीट्यूशन, इज अ फेल ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीर और फलस्तीन पे वो कुछ नहीं कर सके। तो फिर मुझे ये बताएं शहनशाह अकबर के गुर्बत का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी, एक गरीब मुल्क जहाँ पे इस वक्त दो वक्त का खाना खाना लग्जरी है, तो आपने इन 57 मुल्कों के खर्चा को पाकिस्तान के खर्चे पे बुला के इस्लामाबाद में 3 दिन सारा कारोबार बंद करके आप शहनशाह अकबर को दरबार सजाने की क्या जरूरत, कोई जवाब बनता है इस OIC? तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको 10% भी मजा आया ना तो एक लाइक और 2 कमेंट कर दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।